सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है KCGC TV ते। स्टूडेंट्स, जिवें कि तुहानू सारयां नू पता है कि 2023-24 दीआं एडमिशन्स चल रही ने, ते इस बार एडमिशन्स जिहड़ियां ने पहलों नालों थोड़ा हटके हो रही ने, क्योंकि इस बार जिहड़ियां एडमिशन है पंजाब गौरमेंट दे पोर्टल ते हो रही ने। ते तुहानू सारयां नू इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए है कि भी इस पोर्टल ते तुसीं रजिस्टर होए बिना किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लै सकते हो। ते क्योंकि खालसा कॉलेज तुहाडा सारयां दा पसंदीदा कॉलेज है, ते स्टूडेंट्स इत्थे आ के एडमिशन लै रहे ने। असीं नाल दी नाल ये जानकारी बहुत देर तो दे रहे हैं कि पहले पोर्टल पर रजिस्टर हो, फिर तुहाडी एडमिशन होएगी, पर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं नहीं पता। तो पोर्टल जिहड़ा है एक बार बंद होकर हुण दोबारा खुल रहा है, इनकलूडिंग जिहड़ियां PG क्लासिज ने उन्होंने लिए पोर्टल जिहड़ा चल रहा है जां दोबारा खुल रहा है। सो इस पोर्टल की जिहड़ी बहुत टैक्नीकल जानकारी है कि की है पोर्टल, किवें वर्क करता है, तो क्यों ये रजिस्टर होना जरूरी है, ये की स्टैप्स ने, ये सारे स्टैप्स जानने लिए तुहाडे तक पहुँचाने लिए इस वक्त मैं बैठी हुई हाँ साडे डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर दीपक देवगन जी दे कोल, जिहड़ी तुहानू बहुत ही वधिया तरीके दे नाल इस पोर्टल बारे जानकारी देणगे, क्योंकि इस सारी चीज़ नू बहुत ही वधिया तरीके नाल हैंडल कर रहे हैं। सो चलो मिलते हैं डॉक्टर दीपक देवगन। सब तो पहला मेरा सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। जिवें कि तुसीं सारे जाणदे हो कि प्लस टू दे रिजल्ट आन तो बाद दाखला प्रक्रिया जिहड़ी है शुरू हो चुकी है, पर इस वार दी दाखला प्रक्रिया हर साल वांग चलदी दाखला प्रक्रिया तो थोड़ी जी हट के है, क्योंकि इस साल पंजाब सरकार दे आदेश दे अनुसार सारे ही कॉलेजां दे, चाहे वह प्राइवेट होन, एडिड होन या सरकारी कॉलेज होन, उन्हां दे विद्यार्थियों दा दाखला सरकार दे दाखला पोर्टल दे थ्रू ही कीता जाना है। कोई भी विद्यार्थी जिसने अजे तक दाखला पोर्टल दे विच अपना दाखला पंजीकृत नहीं किया है, उन्होंने मैं दसना चाहूँगा कि सरकार 30 तरीक तो बाद इस दाखला पोर्टल नूं दोबारा तो खोलन जा रही है, ते उस दे विच अपना पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी दीयां हिदायतां दे मुताबक कोई भी वो विद्यार्थी जो इस दाखला पोर्टल दे राही एडमिशन नहीं लेगा, उसका दाखला मंजूर नहीं किया जाएगा। ये दाखला पोर्टल जिसका नाम admissions.punjab.gov.in है, इस ते जाके विद्यार्थी अपने आप नूं दाखिल कर सकता है। दाखला भरन तो बाद उसका फार्म कॉलेज नूं फॉरवर्ड कर दिता जाता है ऑनलाइन ही, बच्चे नूं पहले कॉलेज आने की जरूरत नहीं हुंदी है। उसके डॉक्यूमेंट्स नूं कॉलेज लेवल ते वेरीफाई किया जाता है, तो मैरिट लिस्ट आन तो बाद उसनूं सीट ऑफर कर दिती जाती है। हुण तक साडे कॉलेज दे विच BCA, BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BCOM, BBA, BSc मैडिकल एटसेट्रा, एहो जे जिहड़े कि इंप्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज ने, इन्हां दे विच सानूं दाखले दा भरपूर लोकां वल्लों हुंगारा मिलिया है, ते दाखला जिहड़ा है बहुत ही अच्छी गति दे नाल इहदे विच वध रिहा है। तो मैं उम्मीद करदा कि होर कुछ दिनों के अंदर अंदर ही साडियां सारियां सीटां जिहड़ियां ने वो भर जाणगियां। साडा दाखला पिछले साल के दाखले नालों भी बेहतर जिहड़ा है होया है। पर इस दे नाल ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस दाखला पोर्टल दे आन करके हजे तक विद्यार्थियों नूं इस नाल बहुत संघर्ष करना पै रहा है। उसका एक मेन रीज़न ये है कि सरकार वल्लों बच्चों नूं कोई भी हिदायत, कोई गाइडलाइंस नहीं दित्तियां गईयां। ये दाखला पोर्टल एकदम लॉन्च कर दिता गया, तो इस नूं इंप्लीमेंट करन ते पहले कोई भी जिहड़ा है बेस वर्क नहीं किया गया सी, जिस करके बच्चों नूं इस दे बारे नहीं पता सी। यही रीज़न है कि ये दाखला पोर्टल हुण दो वारी बंद होने तो बाद भी तीजी वारी फिर तो खुलन जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसकी जानकारी ना होने कारण दाखला पोर्टल ते अपने आप नूं रजिस्टर करन तो वांझे रह गए हैं। जिन्हां नूं हले भी असी जदों बच्चे साडे कोल अप्रोच करदे ने, आंदे ने साडे कॉलेज दे विच, उदों असी उन्हां नूं जाणू कराउंदे हाँ कि बेटा तुहानूं इस दाखला पोर्टल ते एंट्री करवानी पएगी, तां ही तुहाडी एडमिशन कॉलेज हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। वो उस तो बाद उस दाखला पोर्टल दे उपर आन दी कोशिश करदे ने। इसलिए मेरी एक अपील भी है सरकार नूं कि जे इस दाखला पोर्टल नूं अगे भी इस तरीके दे नाल उन्हां दी चलाण दी मंशा है, तो इस दे बारे जानकारी स्कूली पद्धर लैवल ते
प्लस वन प्लस टू के बच्चों के नाल जरूर सांझी की जाए ताकि उन्होंने रिजल्ट आने तो उपरंत इमीजिएटली इस दाखला पोर्टल के उपर अपने आप ही रजिस्टर कर लैन, उन्होंने इस तरह खराब ना होना पवे, खज्जल ना होना पवे। मैं इस चैनल दे राही कुछ स्टैप्स जिहड़े ने जिहड़े कि बच्चों जे हजे तक नहीं किया है उन्होंने दाखला पोर्टल दे अपने आप नूं रजिस्टर उहदे बारे दसना चाहवांगा। तुसी कंप्यूटर दे उपर admissions.punjab.gov.in जिहड़ा है पोर्टल खोलना है। इस दे विच दो हैड बने ने, ऑनलाइन एडमिशन फॉर UG ते ऑनलाइन एडमिशन फॉर PG। जिवें कि मैं तुहानूं दस्या कि अंडर ग्रैजुएट कोर्स BA BSc BCOM वगैरह इन्हां सारयां दी एडमिशन हजे बंद है पोर्टल ते, जो कि 30-31 तरीक तो बाद खुलेगी, तो उत्थे भी इस तरह दे ही दो बटन जिहड़े ने ओह शो हो जाणगे। जदों ये बटन इत्थे शो होणगे ते तुसी हुण जिवें आ PG दे विच देखो इत्थे आ बटन शो हो रहे ने, ते किसे भी बच्चे ने MA MCOM MSc च एडमिशन लेना है उसनू न्यू रजिस्ट्रेशन दे उत्ते क्लिक करना पएगा, ते इस तरह दा एक दाखला फार्म जिहड़ा है वह खुलेगा जिहदे विच वह अपनी बेसिक इनफॉर्मेशन देगा, जिवें कि उहदा नाम है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है, जिहड़ी उहने पास की है क्लास, जिवें ये आपां MA की गल कर रहे हैं तो इत्थे BA की वह गल करेगा कि मैं BA किहड़ी यूनिवर्सिटी तो की है, मेरा यूनिवर्सिटी का रोल नंबर की है, तो उहदा पासिंग ईयर किहड़े साल दे विच उहने वह क्लास पास की है। उस तो उपरंत वह अपने बेसिक इनफॉर्मेशन जिवें मदर का नाम, फादर का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह ये सारिया चीज़ा वो इनफॉर्मेशन उस देगा तो फॉर्म नू इत्थे रजिस्टर कर देगा। रजिस्टर करन तो उपरंत उस बच्चे दे मोबाइल नंबर ते ईमेल ID दे उत्ते एक रजिस्ट्रेशन नंबर ते उसका पासवर्ड दो चीज़ा आनगियां। वो पासवर्ड ते रजिस्ट्रेशन नंबर दे नाल बच्चे ने उपर टॉप दे उत्ते दिता है इत्थे स्टूडेंट लॉगिन, उत्थे क्लिक करना है। क्लिक करन तो बाद उसका सिलेक्ट टाइप दे विच UG या PG जो है उन्हूं वो क्लिक करेगा, उत्थे अपना ID ते उत्थे अपना पासवर्ड देन तो बाद वो साइन इन करेगा। जदों वो साइन इन करेगा तो फिर उसके 6 स्टैप्स जिहड़े ने वह बनणगे जिहड़े कि उन्हें बच्चे ने पूरे करने ने। कुछ इनफॉर्मेशन उहदी पहले तो ही जो उन्हें बेसिक इनफॉर्मेशन दिती है वह ऑटो फीडेड होएगी, बाकी इनफॉर्मेशन उन्हें स्टैप बाय स्टैप चलदे होया इंस्ट्रक्शनस नू फॉलो करदे होया भरनी पएगी। डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने पैणगे, डॉक्यूमेंट्स का जिहड़ा साइज़ है वह 512 KB तो नीचे होना चाहिए है, पहले ही अपना तैयार करके रखना। इस तो इलावा अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह पूरा तैयार रखो फॉर्म नू भरन तो पहले। तो फॉर्म सबमिट करन तो पहले सरकार की एक रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपये की, जो तुसी ऑनलाइन पे कर सकते हो थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI पेमेंट के थ्रू, तुसी चाहे गूगल पे होवे, भारत पे होवे, फोन पे होवे, जो भी है उहदे थ्रू तुसी वो पेमेंट कर सकोगे। उस फॉर्म नू सबमिट करन तो उपरंत वो फॉर्म साडे कोल रिफ्लैक्ट होगा, साढ़े पोर्टल पर रिफ्लैक्ट होगा, जिसनों असी वेरीफाई करांगे, ते मैरिट लिस्ट जिहड़ी है उन्हां बच्चों की ही बनेगी जिन्हां दे फॉर्म जिहड़े ने वो साडे वल्लों अप्रूव किए जाणगे कि हर लिहाज दे नाल पूरे ने, ते ये बच्चे इस पर्टिकुलर कोर्स वास्ते क्वालीफाई करते हैं। उन्हां बच्चों की मैरिट लिस्ट के बेस के उत्ते ही असी उन्हां नूं उस पर्टिकुलर कोर्स के विच सीट ऑफर करांगे, ते वो बच्चे साडे कोल आके अपनी एडमिशन नूं फाइनल करनगे। मैं उम्मीद करता हाँ कि मेरे दसे हुए स्टैप्स तुहानू सारयां नू बड़े ही क्लीयरली समझ आ गए होणगे, पर फिर भी जे किसी बच्चे नू कोई दिक्कत आवे तां ओह साडे कॉलेज आ सकदा है। साडे कॉलेज इस टाइम ते काफ़ी नंबर दे विच स्टाफ जिहड़ा है फुली इक्विप्ड कंप्यूटर्स दे उपर हाई इंटरनेट स्पीड दे नाल इत्थे काम कर रहा है, जो कि बच्चों नू फ्री ऑफ कॉस्ट हैल्प कर रहे ने फॉर्म सबमिट कराने लई, उन्हां नू गाइड कर रहे ने। इत्थे वाईफाई फैसिलिटी भी असी बच्चों नू दित्ती है, कोई बच्चा अपने आप फॉर्म फिल करना चाहता है, स्टैप्स देखना चाहता है, तो वो साडे कॉलेज आके साडे कैंपस का वाईफाई एक्सैस कर सकता है, ते नाल दे नाल ही गाइडलाइनस भी लै सकता है कि किस तरह वो फॉर्म फिल करे। इस दे नाल ही मैं सोचता हाँ कि तुसी सारे बच्चे जिहड़े हजे तक नहीं पोर्टल दे उपर आए हो, जल्दी तो जल्दी अपना पोर्टल दे उपर फॉर्म फिल करोगे ते कॉलेज दे विच एडमिशन लवोगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।